मदीना मुनव्वरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो वहाँ मौजूद कुछ अफराद ने नाज़ेबा अल्फाज़ का इस्तेमाल किया और नारेबाजी की। सऊदी अरब की हुकूमत ने मामले पर एक्शन लेते हुए 150 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने इफ्तार की नमाज मगरिब अदा की। यहाँ मौजूद कुछ लोगों की जानिब से नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और नारेबाजी भी की गई, जिस पर सऊदी अरब की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। 150 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने 13 रुकनी वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा इफ्तार किया और साथ ही साथ नमाज मगरिब अदा की गई। इस दौरान कुछ लोगों की जानिब से यहाँ पर नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, नारेबाजी की गई। 150 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना ताहिर अशरफी ने मदीना मुनव्वरा में शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना था कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा इकदाम काबिल मजम्मत है, जिन लोगों ने ये किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और इर्द गिर्द मेरे चंद पाकिस्तानी भाइयों ने किया है, वो बहुत दुख देने वाला है। ये तो वो मकाम है जहां अपना सर नीचा रख के और अपनी आवाज को नीचे रख के चलने का हुक्म है। चे जाए कि उस मकाम पर गलीज नारेबाजी हो, तोहमतबाजी हो और वक्त इफ्तार हो, 27 रमजान हो, खुद ही सोच लीजिए कि जिनके दरबार में आवाज ऊंची ना करने का कहा गया है, क्या हासिल हुआ तुम्हें? अपने वतन की इज्जत को तुमने खराब किया है। इमरान खान साहब पिछले साल यहां आए थे तो वो भी वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर सऊदी हुकूमत के मेहमान थे। आज जिन लोगों ने ये छोटा सा एक ग्रोह, छोटी सी दो तीन टोलियां, जिन्होंने ये काम किया है, छोड़ दो यार शहबाज शरीफ साहब को, छोड़ दो इमरान खान साहब को, कहां खड़े हो यही सोच लो। दाता दरबार मस्जिद लाहौर में 27वें रमजान के हवाले से खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। दाता दरबार में ईशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा की गई। तकमीले कुरान के हवाले से महफिल का अहतमाम किया गया और अब शबीना जारी है। मजीद जान लेते हैं उस्मान खादिम कम्बो से। उस्मान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दाता दरबार मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। 27वें रमजानुल मुबारक की शब की इबादत यहाँ पे जारी है। खुसूसी इबादत का यहाँ पे अहतमाम किया गया है। पूरे लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से शहरी यहाँ पर आए हुए हैं, इबादत कर रहे हैं। मोतकफीन भी जो हैं दादा दरबार मस्जिद के, वो भी इबादत में हिस्सा ले रहे हैं। नमाज ईशा के बाद यहाँ पे नमाज तरावी अदा की गई। रमज़ान सियालवी साहब जो हैं खतीब दादा दरबार मस्जिद, उन्होंने खुसूसी दुआ करवाई कौम और उम्मत की भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए उन्होंने दुआ की, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की। उसके बाद नमाज शबीना यहाँ पे पढ़ी गई, जिसके अंदर 10 सिपारे कुरान जीत के मुकम्मल किए गए और फिर उसके बाद दोबारा से इत्माई दुआ करवाई गई। इस वक्त दाता दरबार मस्जिद के अंदर सलात तस्बीह जारी है। नमाज सलात तस्बीह जो है ये सहरी तक जारी रहेगी और उसके बाद सहरी का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है शहरियों के लिए। और ये इस तरह से इबादत की रात यहाँ पे जो है बहुत अच्छे अंदाज में उसका अहतमाम किया गया है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, ये शब जुमा भी थी और दाता दरबार के ऊपर शहरियों ने हाजिरी भी दी, दुआएं भी मांगी और अपने दिल के सुकून के लिए भी यहाँ पे दुआएं। खादिम, आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान की 27वीं शब की मुनासबत से मुसलमान शब बेदारी का अहतमाम करते हैं। मसाजिद में 27वीं शब तरावी में कुरान पाक का ख़त्म शरीफ किया जाता है। मसाजिद में रूह परवर तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से, जो कि फैज़ान मदीना में मौजूद हैं। जी जावेद, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जिसका कुरान में जिक्र है और उसी रात में जो है अल्लाह ताला ने जो है वो अपना इस कुरान पाक किताब को जो है नाजिल फरमाया और उसी रात में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा रमजानुल मुबारक जो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे उसका ख़त्म मुबारक किया जाता था। मुमकिन तौर पर जो है 27वीं शब को इसकी मुनासबत से मनाया जाता है। लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र के हवाले से है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि 84 साल की इबादत से ज़ायद सवाब मिलता है अगर इस रात में जो है वो इबादत की जाए। तो उसको पाने के लिए जो है मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर इज्तमात का एहतमाम किया जाता है, खत्म कुरान की तकरीब की जाती है। इस वक्त हम फैज़ान मदीने में मौजूद हैं, दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज में। यहाँ पर जो है खत्म कुरान की तकरीब के बाद जो है अब इस रात को खसूसी तौर पर इबादत के सिलसिले में मनाने के लिए जो है वो इबादत का सिलसिला जारी है। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और अल्लाह के हजूर सजदा सजूद हो रहे हैं। आज की रात जो है मांगने की रात है, यानी कि अल्लाह की रहमतों को मांगने की, अल्लाह की रहमतों रूठने की रात है। सारी रात जो है वो सजदा सजूद हुआ जाता है, अपने लिए, अपने मुल्क
के लिए और कौम के लिए जो है वो दुआएं की तकरीब मुनक्किद की जा रही है, खुसूसी तौर पर जो है वो ये नवाफिल जो है यहाँ पर अदा किए जा रहे हैं। जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भर्तियों की तफसीलात मांग ली, मामले पर जामे तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। किसके शोबे में लोगों को भर्ती किया गया, डेपुटेशन पर कौन आया, गैर कानूनी तौर पर किसकी तरक्की हुई, स्पीकर कौमी असम्बली ने रिकॉर्ड मांग लिया। इंक्वायरी के बाद गैर कानूनी तरीके से भर्ती होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तनकीदी बयानात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से पिशावर जलसे में इमरान खान के खिताब का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयानात का भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। इमरान ने अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन को नून लीग का एजेंट करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। ऐलामी में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन फैसले आइन और कानून की रोशनी में करता है। जनवरी 2020 से लेकर अब तक तमाम फैसले मुत्तफिका हुए। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के काम करता रहेगा। वज़ीर इत्तला'आत मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ख़ास गिरोह ने नारेबाजी की, बाकी सब लोगों को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी का ख्याल है, लेकिन ये चंद अफराद का गिरोह था जिसने ये घटिया हरकत की। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये एक ख़ास ग्रुप था ऐसा, इसके अलावा बहुत से लोग जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सब हमारे जो लोग हैं वो उनको मस्जिद नबी की जो अहमियत है, जो पाकीज़गी है, उसका ख्याल है और हमारे लोग वहाँ खामोशी के साथ हमें हाथ हिला रहे थे। और ये ख़ास गिरोह है, लेकिन मैंने उस वक़्त क्योंकि मस्जिद नबी में पहली दफ़ा मैंने कदम रखा था तो मैंने इन सब के लिए हदायत की दुआ की। जो ये माशरे की तबाही है, जो मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की, जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात है, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये लेकिन ये जो चीज़ है ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ाजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रैफिक हादसे में 24 न्यूज़ के प्रोड्यूसर जवार खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुआगो हूँ, अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हादसे में जख्मी होने वाले दीगर सहाफ़ियों के लिए जल्द सेहत याबी की दुआ की।